students how are you all today we are taking reactions of phenol in last lecture we had studied about the reactions of alcohol now today we are taking Reactions of phenol. See, generally, phenol gives two types of reaction. Number one, electrophilic aromatic substitution. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मतलब ये जो रिएक्शन है ना वो है एरोमेटिक रिंग के रिएक्शन मतलब बेंजीन के ऊपर ओएच OH है तो इन सब रिएक्शंस में ये ओएच एज इट इज रहेगा और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे ओके okay? उसमें फर्स्ट है नाइट्रेशन as we have studied earlier for nitration generally concentrated hno3 and concentrated h2so4 this mixture is used generally for aromatic substitution reaction these reagents are used for nitration but phenol is highly reactive that's why phenol simply it is reacted with dilute hno3 to give no2 at ortho position and no2 at para position so it is ortho nitro phenol and para nitro phenol ओके, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अब ये दोनों कंपाउंड की हम एक करें करेंगे चलो दोनों को सेपरेट करना है हमें तो यहाँ पे दोनों का मिक्सचर ही मिलेगा तो दोनों को सेपरेट करना है तो सो बोथ कैन बी सेपरेटेड डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट अब देखो यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और यहां इंटर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा जिससे क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोलिज हायर देन ऑर्थो चलो इंटर और इंट्रा दोनों हम यहां पे लेते हैं फर्स्ट वी आर टेकिंग इंट्रा तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही कंपाउंड के दो एलिमेंट्स मतलब मॉलिक्यूल एक ही है और उसके दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा दैट इज इंट्रा एंड सेकेंड इज इंटर मॉलिक्यूलर तो वो होगा दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में अगर मैंने बेन्सिन के ऊपर ओ OH एच इस साइड लिखा है और एन टू यहां पे है और अगेन यहां पे एनो टू है यहां पे एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में होगा और यहां पे होगा दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में ओके सो दिस इज इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये एट्रैक्शन कम करो मॉलिक्यूल्स के बीच का एट्रैक्शन कम करो तो यहाँ पे है एट्रैक्शन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स अगर हम लेते हैं तो वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट एटम्स के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन है जिससे क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा जिसका जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट सो मच लो है और इसका हायर है सो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल तो दोनों में से किसका हाई पैरा का ओके okay? चलो ये बात हुई ऑर्थो और, और पैरा का सेपरेशन की अब हमें यहां पे तीनों जगह पे सपोज एन टू चाहिए तो उसके लिए फिनॉल उसकी हम रिएक्शन करेंगे कॉन्सनट्रेटेड एच एन ओ थ्री जिससे क्या होगा तीनों जगह पे कौन कौन से सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स पोजिशन उसके ऊपर एनओ टू आ जाएगा तो इसका नाम है टू फोर सिक्स ट्राइनाइट्रोफिनोल और इसका अनदर नेम है पिक्रिक एसिड ओके नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन इज हेलोजिनेशन एकदम सिंपल रिएक्शन पेंजिन के ऊपर ओएच इट इज रिएक्टेड विथ बी आर टू सी एस टू मतलब बी आर टू विच इज डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर सो एट द टाइम वी आर गेटिंग टू प्रोडक्ट्स सिंपल ओ एच इज ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप ज ऑर्थोब्रोमो फिनॉल एंड दिसवन इज पैराब्रोमो फिनॉल पैराब्रोमोफिनॉल यहाँ पे दो एटम्स के बीच में स्टेरिक एंड्रेंस होगा जिससे ये माइनर प्रोडक्ट है मतलब लेस प्रपोर्शन और इसका ज्यादा प्रपोर्शन मतलब मेजर अमाउंट है ओके okay. तो जनरली ये जो हेलोजी है ना उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं कंपाउंड तो बेंजिन इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड लाइक एफ ई बी आर थ्री तो वहाँ पे क्या होगा तो हेलोजन इजीली रिलीज हो जाएगा ओके okay? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये पूरा इलेवन का रिविजन ही है कि अगर मैंने बेंजिन लिया और सी एल टू एफ ई सी एल थ्री या बी आर टू एफ ई बी आर थ्री एफ ई क्लोरीन थ्री क्लोरिन मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा पोलराइज का मतलब क्या है पता है कि वेन एवर सीएल दैट इज अमल बॉन्ड तो एफ सी एल थ्री वो लुइस एसिड है जिससे क्या करेगा वो क्लोरिन को अपने बाजू अट्रैक्ट करेगा विथ लोन पेयर मतलब क्लोरिन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये नेगेटिव तो Cl पॉजिटिव बना एंड दैट Cl पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड बाय द पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ बेंजीन इससे हाइड्रोजन रिलीज होगा बेंजीन के ऊपर सीएल आएगा ओके और फिर जो एच रिलीज हुआ इसके साथ रिएक्शन करके फिर जो सीएल थ्री ने ले लिया था उसको वो छुड़वा लेगा मतलब ये वर्क कर रहा है ओके सिमिलरली अगर बी आर टू एफ ई बी आर थ्री लिया तो बेंजीन के ऊपर बी आर और एच बी आर मिलेगा मेन ये समझा रहा था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वन ग्रुप इन अग इट विल डायरेक्ट टू द सेकेंड ग्रुप विच इज टू द अटेस्ट देंग मतलब इसकी डायरेक्टिंग इफेक्ट के हिसाब से अटैच होगा तो हमें लिस्ट याद रखना पड़ेगा कौन सा ऑर्थोपेरा और, और कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है अभी तो इतना याद रखो कि ओ एच एंड हेलोजन आर ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप नेक्स्ट के हमने एक रिएक्शन कार्बन सल्फाइड वाली देखी अब दूसरी देखते हैं अगर फिनॉल के रिएक्शन नॉर्मल ब्रोमीन वाटर के साथ करें जिससे हमें यहाँ पे मिलेगा के ऊपर ओ OH और तीन बी आर फर्स्ट सेकेंड तीन और इसका नाम है टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो नेक्स्ट नेक्स्ट इज कॉलबेज रिएक्शन अब देखो कॉलबेज रिएक्शन में क्या हो रहा है कि बेंजन के ऊपर ओएच OH है एंड इट इज रिएक्टेड विथ एन एच जिससे हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस एच टू ओ और बेन सिंह के ऊपर ओ एन एके सोडियम फिनोक्साइड किसमें से मिल रहा है ये फिनॉल में से मिल रहा है ओके okay. नेक्स्ट okay. अब इसकी रिएक्शन अगर हमने सीओ टू और प्लस के साथ की तो एक्चुअली यहां पे ओ एच OH और सी डब्लू एच मिलता है और इसका नाम है टू हाइड्रोक्सी एसिड और इसका कॉमन नेम है सेलिसिलिक एसिड अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये आया कैसे एक्चुअली एट फर्स्ट स्टेप सी ओ टू इज रिएक्टेड जिससे क्या होगा यहाँ पे हमें मिलेगा ओ सी डबल ओ एन ए मतलब ये जो सी ओ टू है वो ओ और एन ए के बीच में आ जाएगा और ये अनस्टेबल सब्सटेंस है तो वो अपने आप रीअरेंज हो जाएगा और ये पूरा सी डब्ल ओ एन ए ये यह यहां पे ट्रांसफर हो जाता है और यहां का हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा मतलब हमें मिला ओ OH एच और सी डब्लो एन एंड देन आफ्टर इसको हमने एसिडिफाइड किया तो एन की जगह पे एच आ जाएगा अपने टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया है तो हम यही याद रखेंगे ओके okay? नेक्स्ट तो बच्चों ये जो सेलिसलिक एसिड है ना

सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ एंड दी एच थ्री ओके तो यहां पर सिंपल एक बॉन्ड ब्रेक होगा ओ और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा तो एक एसिटिक एसिड acid हमें मिल जाएगा और बेन्सिन के ऊपर मिलेगा हमें ओ सी ओ सी एच थ्री और वो सी डबल एच एसिट इज तो इसका नाम है एसिटाइल सेलिस एसिड ओके और इसका नाम है एस्पिरिन तो ये एस्पिरिन ऐसे हम प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट व्हेन इट रिएक्ट्स विथ मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओफोरिया एच प्लस एनी so at that time yeah, OH is as it is and इज is obtained इज ऑप्टेन्ड और इसका नाम है मिथाइल okay और जितने भी पेन रिलीफ बाम है तो इसमें ये इसका हाईएस्ट प्रोपोर्शन होता है एंड नेक्स्ट वेनसेलिसिक एसिड रिएक्ट्स विथ फिनॉल ट इज ओ एच ऑन बेंजन रिंग अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस तो हमें यहां पर मिलता है कंपाउंड बेनजन के ऊपर ओ OH, एच और सी डबल ओ एंड बेनजन रिंग तो इसका नाम है फिनाइल सेलिटे okay? और उसका दूसरा नाम है सेलॉल मतलब डेटॉल सेलॉल जितने भी डिसइनफेक्टेंट हैं तो उसमें ये उसके मिक्सचर में ये इम्पोर्टेंट कंपाउंड है ओके okay, बच्चों तो ये जो हमने लिया ना ये अपना जी नीट का टॉपिक था तो इसमें जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है वो और ये सब रिएक्शंस इसके बेस पे हैं नेक्स्ट इज अ राइमर टाइमन रिएक्शन राइमर टाइमन रिएक्शन में हमने लिया बेंजीन के ऊपर ओ OH. मतलब फिनॉल इसकी हमने रिएक्शन की सी एच सी एल थ्री और एन एच के मिक्सर के साथ जिससे हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पे मिलती है दैट इज़ ओ एन ए और सी एच सी एल टू फिर इसकी रिएक्शन मोर एन एच के साथ हमने की जिससे हाइड्रोलिसिस होगा और यहां पे हमें मिलेगा सी एच ओके एंड देन आफ्टर सिंपली इट इज एसिडिफाइड. तो जहां पे o -N -M ने लिखा है वहां पे एच हाँ आ जाएगा इसका नाम है सेलिसाल्डिहाइड. ओके okay, और अगर हमने इसका ऑक्सीडेशन किया तो सी एच ओ कन्वर्ट होगा सी डब्लो एच में अभी तो हमने किया ये हुआ सेलिसिक एसिड और एक रिएक्शन अगर हमने सी एच सी एल थ्री की जगह पे सी सी एल फोर लिया तो डायरेक्टली हमें सेलिस एसिड मिल जाता है ओके बच्चों तो ये जो हमने लिया ना मैंने यहां पे ये जो रिएक्शंस ली एक ये और दूसरी ये ये अपना जेडबल यू नीट है याद रखो टेक्स्ट बुक में यही दिया है ये कन्वर्जन नहीं दिया और ये भी नहीं दिया है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ न वैन इट उसके ऊपर ओ एच कंपाउंड का नाम है फिनॉल वैन इट रिएक्ट्स विद जेड एंड डस्ट सो एट दैट टाइम एच इज एडेड इन टू बेनजन एंड ओ इज कम्बाइंड विथ जेड एंड टू गिव जेड एन ओ एंड हियर वी आर गेटिंग बेनजिन एंड लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन ऑक्सीडेशन अगर हमने बेंजीन के ऊपर ओ OH एच लिया और इसका हमने ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ एन ए टू सी आर टू ओ सेवन इन एसिडिक मीडिया तो ये जो बेंजीन के ऊपर ओ OH है उसका ऑक्सीडेशन होगा ऊपर भी डबल बॉन्ड और नीचे भी डबल बॉन्ड इसका नाम है बेन्वीनोन ओके okay? इसका आई पी एस नेम देखते हैं देख लो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स साइक्लोहेक्सा टू फाइव डाइन वन फोर डायऑन ओके अगर हमने इसका रिडक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो दो ओ OH एच हमें मिल जाएंगे और अगर इसकी जेडेन डस्ट के साथ रिएक्शन की तो वापिस हमें मिल जाएगा बेंजीन ओके okay? तो दो जेडेनो मिलेंगे माइनस टू सेडेनओ चलो वो लिखने की जरूरत नहीं है इसका नाम है क्वीन और बेंजीन वन फोर डायोल ओके okay बच्चों तो इसी के साथ हमारा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी यहाँ पे खत्म हुई और इससे ऑल द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल आर कंप्लीटेड नाउ ओके तो ये सब रिएक्शन आपको लिखनी है अच्छी तरह से लर्न करनी है तो अब दो शॉर्ट नोट हम लेते हैं फर्स्ट इज मिथेनॉल एंड सेकेंड इज इथेनॉल सो मिथेनॉल इज नोन एज वुड स्पिरिट एंड It was produced by the destructive distillation of wood, that's why it is a wood spirit. Okay, or second process processing carbon monoxide and hydrogen ke mixture. Ke. So when both are heated at 573 to 673 Kelvin and 200 to 300 bar in presence of sardano and Cr2O3, we are getting methanol. It is colorless liquid and boils at 337 Kelvin and it is highly poisonous in nature. Okay, and uh, methanol is used as a solvent in paints, varnishes, and chiefly for the making the formaldehyde. Mm. Next, next is ethanol. So ethanol is generally produced by the fermentation. Okay, and the oldest method is from sugars, and the sugar in the molasses, that is sugar cane or the fruit such as grapes, is converted into glucose and fructose by invertase enzyme.

Okay, and uh, carbon dioxide is released during the fermentation. The action of zymase is inhibited once the percentage of alcohol formed exceeds 14%. And if air gets into the fermentation mixture, the oxygen of air oxidizes ethanol into ethanoic acid due to presence of ethanoic acid. Okay, ethanol is a colorless liquid and with boiling point 351 Kelvin and it is used as a solvent in paint industry and in the preparation of number of the carbon compounds okay so short notes are completed so in next lecture we will start this ether okay then goodbye for today